आज विजय अंकल और ममता आंटी की 30th वेडिंग एनिवर्सरी की खुशी पर आ रहे हैं नून विद ऑल द जुनून टू सेट द फ्लोर ऑन फायर। दो साल काफी कुछ कैचअप करना है मुझे। सुनो, मेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ? मैं दो साल नहीं था तो विक्रांत ने मेरी जगह ली। लास्ट क्वेश्चन, आर यू मैरिड? डज इट मैटर? लॉक करना नहीं आता तुम्हें? ऋत्विक सर, मैम, क्या आप दोनों के एक साथ फोटो मिल सकती है? कोई सीन था क्या मेरा इसके साथ? बड़ी हाय, तुमने तो वहां बोला था कि तुम सिंगल हो। ये मेरे लिविंग बच्चे हैं। उस एक एक्सीडेंट ने इन दो सालों में सब कुछ बदल डाला। ये पकड़े। इसको कुछ याद नहीं आया पर हेकड़ी भी नहीं गई। ये तो पुराना प्रॉब्लम है। मुझे कैसा लगता होगा जब वो दूसरी लड़कियों को अपने रूम में लेके आए और ये सब। एक्सक्यूज मी, हेलो, तुम डॉक्टर हो? मेरी बीवी नहीं हो, रिमेम्बर? इनकी दूरियां खत्म करनी होंगी। रोहित भाई, यू डोंट नीड टू वरी, मेरे पास एक प्लान है। मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक ऋत्विक खुद तुम्हें मुझसे ना छीन ले। मैं वही कर रहा हूँ ना जो नेचुरली आता है मुझे। कोई प्रॉब्लम है क्या? तुझे पता है ना तेरा एक तरफा प्यार है। एक तरफा प्यार बहुत इंटरेस्टिंग होता है, ना शुरू होता है और ना ही खत्म। उन पे याद करने का प्रेशर मत डालो, cuz it can affect him emotionally and it may harm him further. ऋत्विक नून पसंद आ गया? मेरा बैंक बैलेंस देख लिया तुमने? How dare you? दो साल में मैंने कम किया क्या? अब ये भी सहन करना पड़ेगा। Would you like to have something? Yeah, cold coffee. कभी कभी पेशेंट्स को भी डॉक्टर्स की मदद करनी होती है। दिल ही तो है। जो आसान होता है वो शायद प्यार नहीं होता, और जो प्यार होता है वही इम्तिहान लेता है। हेलो नर्स, वेक अप एट 7:30।